इसलिए मेरे बंधु, मेरे प्रिय, मेरे बच्चे, जीवन में कभी बहुत ज़्यादा देखो, चित्त में अगर चित्त चोर हैं, चित्त में अगर शांताकारम भुजगसेनम वो हैं, तो जब शांताकारम है तो अशांत नहीं रहना है, वो हैं। या हमारे ब्रज में एक बड़े सुंदर संत, वो सदा कहा करते हैं, काहू को बल भजन को, काहू को वाचार, हरे व्यास भरोसे श्री राधा के, सोवत टांग पसार, व्यास भरोसे श्री राधा के, सोवत टांग पसार। हरिराम व्यास जी ठाकुर युगल किशोर उनके सेवित ठाकुर हैं, वृंदावन में हैं, तो वो यही कहा करते थे कि भाई कोई तो यहाँ बहुत भजनानंदी है, काहू को बल भजन को, काहू को आचार, कोई आचार आचरण इतना शुद्ध है, 10 बार नहाता है, 5 बार भीगे कपड़े पहन के पूजा करता है, बोला तुम्हारे पास क्या है, बोला व्यास भरोसे श्री राधा के, सोवत टांग पसार, कैसी निश्चिंतता है। कहते हैं व्यास तो राधा रानी के भरोसे टांग पसार के बस सोया रहता है, भरोसा किशोरी जी का है, दृढ़ विश्वास राधा रानी पर है, इस विश्वास से मैं वृंदावन में पड़ा हुआ हूं। भैया ये विश्वास भी कम नहीं है, ये भरोसा भी कम नहीं है, ऐसी दृढ़ता, ऐसा विश्वास। विश्वास का एक और अर्थ मैंने निकाला है, श्वास कहते हैं जो अंदर आना जाना, ये रुक जाए तो, और विश्वास है विशिष्ट श्वास, भी माने विशिष्ट श्वास, उस श्वास से भी ज्यादा विशिष्टता इस श्वास की है, ये श्वास जिंदा रख सकती है तो वो विश्वास तुम्हें आनंदित रख सकता है। अगर जिंदा ही है और जिंदा लाश की तरह है तो मुश्किल है, परंतु ये विश्वास हमें आनंद दे के रखती है, श्वास भी चलती रहे और विश्वास भी बना रहे, ये विश्वास ही मनुष्य के जीवन का आनंद का आधार बनती है। मेरे प्यारे, आप सब वृंदावन धाम में हैं, यत्किंचित जितनी देर भी वृंदावन धाम में रहने का आने का अवसर मिलता है, ये ठाकुर जी की कृपा से होता है। कोई 2 दिन रहे, कोई 10 दिन रहे, कोई 10 साल रहे, कोई 50 साल रहे, कोई 2 ही मुहूर्त रहे, 2 क्षण रहे, पर जो भी अवसर मिलता है किशोरी की अत्यंत करुणा और कृपा से मिलती है। चाहे तो इसको सही जगह इन्वेस्ट कर दो और चाहो तो चीट फंड में डाल दो, पैसा तुम्हारा है, चाहो तो सिक्योर जगह पे रखो और नहीं तो चाहो रातों रात में दुगना करने के लिए दे दो कि कंपनी भाग जाए, हमें क्या करना है। तो ये जो क्षण वृंदावन में मिलते हैं, जो क्षण ईश्वर गुरु गोविंद के सामने मिलते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी जगह करना कि प्रभु बस आनंद है, आपके शरण है, ये इन्वेस्टमेंट है। और जो क्षण मिला वो क्षण भी अगर कहीं आपने गंवा दिया, तो कल हमारी पूरी चर्चा गंवाने पर ही थी, गंवार कौन और समझदार कौन। गांव वालों को लोग गंवार कह देते हैं, पर गंवार वो है जिसने अपनी जिंदगी श्री कृष्ण के बिना गंवा दी, आनंद के बिना गंवा दिया, वो गंवार है। भले ही वो अनपढ़ हो, एक अक्षर न पढ़ा हो, कबीर की तरह, नामदेव की तरह, जना की तरह कुछ न जानता हो, लेकिन उसकी जिंदगी आनंद में है। तो गंवार शब्द गांव से नहीं, गंवा देने वाले से जुड़ा हुआ, जिसने मनुष्य जन्म पाकर भी दुर्लभो मानुषो देहि देहि नाम क्षण भंग्रह तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम, जिसने इस मनुष्य शरीर को पाकर गंवा दिया, वास्तव में गंवार वही है। इसलिए एवरी मोमेंट एंजॉय करो, एंजॉय योर लाइफ।